पंजाब में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पंजाब में शामिल हुए सभी मंत्रियों को उनका पोर्टफोलियो सौंप दिया गया है। चन्नी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कैप्टन कैबिनेट के पुराने मंत्रियों के विभागों में मामूली बदलाव करते हुए ज्यादातर को उनके पुराने विभाग ही सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा अब तक मुख्यमंत्री के अधीन ही रहा गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा को सौंपते हुए सीएम ने विजिलेंस अपने पास रखा है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली, एक्साइज और टूरिज्म समेत 14 विभाग अपने पास रखे। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को गृह विभाग, सहकारिता और जेल विभाग मिला। डिप्टी सीएम ओपी सोनी को स्वास्थ्य विभाग मिला। वहीं ब्रह्म मोहिंद्रा के पास स्थानीय निकाय, संसदीय मामले, चुनाव और शिकायत निवारण मामले का मंत्री उन्हें नियुक्त किया गया है। मनप्रीत सिंह बादल को वित्त मंत्री बनाया गया है। वहीं तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को ग्रामीण विकास और पंचायत और पशुपालन विभाग का मंत्री बनाया गया है। अरुणा चौधरी को राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्रालय मिला है। सुखजिंदर सिंह सरकारिया को जल स्रोत, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय मिला। राणा गुरजीत सिंह को तकनीकी शिक्षा व औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार उत्पत्ति एवं प्रशिक्षण, उद्यान, मृदा एवं जल संरक्षण मंत्रालय मिला। रजिया सुल्ताना को सामाजिक सुरक्षा व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला। विजय इंदर सिंगला पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री बने। वहीं भारत भूषण आशु खाद्य, सिविल सप्लाई व उपभोक्ता मामलों के मंत्री बने। रणदीप नाभा को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण विभाग। वहीं डॉक्टर राजकुमार वेरका को मेडिकल शिक्षा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामले का मंत्री नियुक्त किया गया। संगत सिंह गिलजिया को वन एवं वन्य जीव, प्रगट सिंह को उच्च शिक्षा और खेल मंत्री, अमरिंदर सिंह वाडिंग को परिवहन मंत्री और गुरकीरत सिंह कोटली को उद्योग और वाणिज्य मंत्री नियुक्त किया गया। आपको बता दें, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को राज्य मंत्री परिषद का पहला विस्तार कर 15 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया था, जिसमें 7 नए चेहरे हैं। राज्य में 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस कवायद से सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।